नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड नेशन। ये स्पीड नेशन का लाइव प्रोग्राम, एक बार फिर से हम लाइव हैं आपके सामने। यहाँ पर हम आपको कोई स्थिति या कोई हालात नहीं दिखाने वाले, यहाँ पर हम आपको सुझाव जो है सरकार को देने वाले जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो लोग सुझाव देंगे सरकार को और अपील भी करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 36 के पार्षद रोहित सियाल, उनसे जानेंगे कि क्या जो सुझाव है वो केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, स्थानीय जो प्रशासन को देना चाहेंगे और अपील क्या करना चाहेंगे। जी रोहित जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। जी क्या सुझाव है आप सरकार को देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल स्पीड नेशन को मुबारकबाद देता हूँ, थैंक्स करता हूँ कि जो आपका प्रयास ये जो चल रहा है टू सर्व द ह्यूमैनिटी काबिले तारीफ है। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। सुझाव, सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर का, उसके बाद थैंक्स करना चाहता हूँ कैप्टन अमरिंदर सिंह का, क्योंकि यहाँ पंजाब में उनकी सरकार है, और थैंक्स करूँगा खास करके विधायक अमित विज जी का, जो दिन रात उनका और उनका पूरा परिवार लोगों की सेवा में लगा हुआ है। थैंक्स करना चाहूँगा डीसी साहब का, जिनका प्रशासन पे पूरा कंट्रोल है और बहुत अच्छे तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं दिन रात। एसएसबी साहब का, जिन्होंने ये जो लॉकडाउन है वो कंट्रोल किया हुआ है। इन सब के लिए मैं क्लैप करना चाहता हूँ। और मेरा सुझाव ये है कि हम जो पंजाबी लोग हैं या हिंदुस्तानी लोग हैं, हम बहुत आस्थावान हैं, हम भगवान को बहुत मानते हैं। मैं खुद शिरडी वाले साई को बहुत मानता हूँ, और मैंने सुनी है कहानी है अपने बुजुर्गों से कि शिरडी में भी जब महामारी आई थी तब भी शिरडी वाले साई ने उस महामारी को भगाया था। वहाँ पर उनकी सुच्ची भभूति का छिड़काव जो था वहाँ पर किया गया था और महामारी भाग गई थी। तो ये मेरा सुझाव है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को कि आप शिरडी में जाएं, वहाँ माथा टेकें और उनकी जो भभूति है वो अपने सैनिटाइजर मटेरियल में डालें और उसका छिड़काव करवाएं। मेरा पूरा विश्वास है कि ये महामारी कम से कम हिंदुस्तान से तो पक्का भागेगी। ये हमारी धार्मिक एक आस्था है, विश्वास है। पता नहीं मेरा ये सुझाव वहाँ तक पहुँचेगा भी और वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ हम प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकल बात यह है कि कल मैंने सुना अनाउंसमेंट कि 500 रुपये गरीबों के खाते में आएगा और लॉकडाउन है, 3 महीने तक वो मिलेगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने भी वो दिया, मैंने सुना। लेकिन 500 रुपये में कोई भी गरीब भी अपना चूल्हा नहीं जला सकता। तो मेरा सुझाव है भारत सरकार से, पंजाब सरकार से भी, ये जो हमारे शिरडी वाली साई ट्रस्ट है वहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए पड़े हैं, आप उसको कलेक्ट कीजिए। वैष्णो देवी में करोड़ों अरबों रुपए पड़े हैं, बालाजी में करोड़ों अरबों रुपए पड़े हैं, गोल्डन टेंपल में कैप्टन साहब से भी अनुरोध है, गोल्डन टेंपल में करोड़ों अरबों रुपए पड़े हैं, आप वो सारा कलेक्ट कीजिए। इंसान जिंदा रहेगा तो धर्म भी जिंदा रहेगा, इंसान की जय है तो धर्म की भी जय है। उन गरीबों को कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये महीना, अगर हमारे पास पैसा नहीं है, भारत सरकार के पास, पंजाब सरकार के पास, तो इन ट्रस्टों से आप पैसा ले सकते हैं और अपने भाइयों को, गरीब भाइयों को हम बचा सकते हैं। ये मेरा अनुरोध है। और साथ ही साथ जितने भी वो प्रयास कर रहे हैं उनके लिए क्लैप भी है। मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं अपना सुझाव दे रहा हूँ। और ये मेरा पूरा विश्वास है, जब जब महामारी आई है शिरडी वाले साई ने ही भगाई है, तो कृपया शिरडी वाले साई को सब लोग याद कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है, प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि ये महामारी जो है शिरडी वाले साई के द्वारा जरूर भागेगी। जय हिंद, जय भारत। जी ये था संदेश और सुझाव जो है पार्षद रोहित सियाल ने दिया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई सुझाव है जो आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं या सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो स्पीड नेशन पर अपने वीडियो ज़रूर भेजें। हम आपके वीडियो को शेयर करेंगे अपने पेज से ताकि आपकी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंच सके। धन्यवाद।